वेलकम बैक टू पाइंड एडुटेक एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूड क्लास इन विच वी वर डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कुड बी आस्क्ड इन एनी फॉर्मेट मतलब इन फॉर एनी कैटेगरी फ्रॉम द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी. ये हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इसका डिस्कस कर रहे थे. सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स स्पेशली हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि आपको वर्ड लिमिट्स दिए जाते हैं, है ना. मार्क्स, इतना मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका इतना वर्ड लिमिट होना चाहिए, इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के. और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12th में थे, ठीक है. और मैंने आपको बताया कि 12th में सबसे पहला कीवर्ड जो समझना है वो है कि वुडलैंड क्रिएचर्स किसको बोल रहा है. वुडलैंड, व्हाट डू यू मीन बाय वुडलैंड क्रिएचर्स. तो ये अगर आप नहीं जानते हैं कि वुडलैंड क्रिएचर्स किसको बोल रहा है तो मतलब आप वर्स्ट पोजिशन में हैं. आप चैप्टर मतलब पास नंबर लाइक भी चैप्टर को नहीं जानते हैं. वुडलैंड क्रिएचर्स बोल रहा है फॉरेस्ट में रहने वाले बाकी क्रिएचर्स को, जैसे स्कंक एक क्रिएचर था वैसे ही बाकी क्रिएचर्स को वुडलैंड क्रिएचर्स बोला जा रहा है, ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले वुडलैंड क्रिएचर्स का रॉजर स्कंक के प्रति जो बिहेवियर था, जो रिएक्शन था वो अलग था. और जब रॉजर स्कंक अपना स्मेल चेंज करवा लिया जा करके विजार्ड से, उसके बाद जब वो आया तो उसके बाद ये वुडलैंड क्रिएचर्स का रिएक्शन जो था वो उसके नए स्मेल के प्रति कैसा था. ऑब्वियसली बदल गया था. पहले वो उससे दूर भागते थे, बैड स्मेल था उसका, है ना, अगली स्मेल, दूर भागते थे और चिढ़ाते भी थे, ठीक है. कोई खेलने नहीं देता था साथ में. रॉजर स्कंक अकेला आंसू बहाते रह जाता था. लेकिन जब रॉजर स्कंक चेंज कर लिया अपना स्मेल, चेंज करवा लिया जाकर के विजार्ड से, तो उसका क्या असर पड़ा बाकी क्रिएचर्स पर और रॉजर स्कंक के रिलेशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. और ऑब्वियसली जो असर पड़ा वो उससे रॉजर बहुत खुश था. खुशी तो होगा ही. अब इसी क्वेश्चन को अनलिमिटेड तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन की पॉइंट यही रहेगा कि पहले का रिएक्शन कैसा था टुवर्ड्स रॉजर्स स्मेल, बैड स्मेल, एंड आफ्टर हिज गुड स्मेल अदर क्रिएचर्स का रिएक्शन कैसा था. की वर्ड यही रहेगा, चेंज ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले और कितना भी मार्क्स का पूछ ले, तो मैंने जो आंसर दिया है ये तो 2 या 3 मार्क्स हार्डली उसी को सेटिस्फाई करेगा. तो थोड़ा शॉर्ट में दिया है, देख लो क्या आंसर लिखा है. जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे वो लोग तो ऑब्वियसली जानते होंगे कि रोजेज का स्मेल आने के बाद क्या असर पड़ा था. पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक में ये चेंज होने के बाद टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ाया था कि क्या बदलाव था बाकी क्रिएचर्स के बिहेवियर में, ठीक है. यहाँ आपको
यहाँ से देखो, वो जो पैसा उसको मांगा था 7 पेनीज, तो वहाँ से क्वेश्चन बना था कि कितने पेनीज थे उसके पास, कितने घट रहे थे, तो ये सब रखना आसान फैक्ट है। 4 पेनीज थे, 3 पेनीज घट रहे थे, तो हर क्वेश्चन हर कहानी की तरह वो 3 पेनीज लाने का तरीका भी बता दिया था उसको, और वो क्या तरीका था ये हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, टेक्स्ट पार्ट है, मैंने लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो देखो, मैंने यहाँ से जो डिस्कस किया था, जो टेक्स्ट का पार्ट है, कि 3 पेनीज जब मिल गए रॉजर को, तो वो जा करके वो दे दिया विजार्ड को, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इनटू द वुड्स। अब रैन आउट इनटू द वुड्स का मीनिंग क्या निकलना है? वुड लकड़ी है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट मीनिंग निकालना है ना। रैन इनटू द फॉरेस्ट, खुशी खुशी, जब उसका रोजेज वाला स्मेल हो गया तो ही रैन आउट इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद क्या हुआ कि सारे दूसरे एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, जो क्रिएचर्स वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में, ऑल अदर लिटिल क्रिएचर्स गैदर्ड अराउंड हिम। गैदर मतलब बताया था मैंने, इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना एक जगह, तो सभी क्रिएचर्स उसके आसपास जमा हो गए थे। क्यों जमा हुए थे? क्योंकि वो अब बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, रोजेज वाला स्मेल कर रहा था। और उसके बाद उन लिटिल बाकी लिटिल एनिमल्स ने रॉजर को उसके नए स्मेल के कारण, अच्छे स्मेल के कारण अपने ग्रुप में शामिल किया, और उन लोगों ने दिन भर दोपहर भर बहुत सारे गेम्स खेले। तो टेक्स्ट बुक में देखो ना, गेम्स के नाम भी थे, तो मैंने इनको बताया भी है कि टैग जो नहीं जानते हैं, जैसे बेसबॉल जानता होगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, सॉकर, है ना, दो मैंने स्पेशली बताया था, जो कि एक जो ने भी पूछा था पिकअप स्टिक्स क्या होता है, कौन सा गेम होता है, और एक था ये टैग, ओ सॉरी लैक्रोस, लैक्रोस या लैक्रोसे, जैसे भी इसको जिस देश में खेला जाता होगा, हम लोग के देश में नहीं खेला जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं जानते हैं इस गेम को। लेकिन मैंने जब ये वीडियो लेक्चर में ये पार्ट जब मैंने एक्सप्लेन किया होगा, तो मैंने एक एक गेम के बारे में आपको बताया है बहुत अच्छे से, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, हर तरीके से, कि आप समझें, ये मैंने बताया है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा ना कि नया स्मेल का क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है, जो उसकी बेटी पूछ ली थी पिकअप स्टिक्स, तो बोल दिया था कि क्या ये स्टिक्स वैसे ही रहते हैं, जो ये पूछ दी थी कि पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम होता है पापा, तो उसके डैड बताते हैं कि एक गेम होता है जो कि स्टिक्स के साथ खेला जाता है। तो बेटी सवाल कर देती है कि क्या ये स्टिक्स मैजिकल स्टिक्स जैसे होते हैं, तो उसके फादर जो है वो उसको टालने के लिए सिर्फ बोल देते हैं काइंड ऑफ, मतलब हाँ लगभग उसी तरह का। और उसके बाद बताते हैं कि दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन होम टू देयर मॉमीज। तो टेक्स्ट बुक में तो हम बताए हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन जहाँ से आया है, इसलिए मैं टेक्स्ट का पार्ट को पढ़ना, देखना, सुनना, समझना, ये मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स करें क्वेश्चन आंसर्स, ताकि उनको बोझ बिल्कुल ना लगे। यहाँ मैंने बताया, फिर इस एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसका किया, तो एक्सप्लेनेशन वाला ये से भी आप कुछ आंसर आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। देखो रॉजर ब्रॉट 3 पेनीज टू द विजार्ड, रॉजर वॉज नाउ वेरी हैप्पी,
यही आंसर देंगे ना। उसके बाद ही केम बैक रनिंग इन टू द जंगल, ऑल द अदर स्मॉल एनिमल गैदर्ड नियर रॉजर बिकॉज ऑफ हिज बिकॉज ही वॉज स्मेलिंग सो गुड। यही लाइन ना आंसर में लिखेंगे। ऑल द एनिमल प्लेड सेवरल गेम्स, यही आंसर लिखेंगे। उसमें से एक गेम के बारे में जिसके बारे में नहीं पता था जो को, तो वो पूछ बैठती है, फिर उसका मतलब बताता है। तो आप अगर पढ़िएगा टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स को, देखिएगा साथ साथ, पढ़िएगा समझिएगा सुनिएगा कोशिश कीजिएगा अगर, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहे हो, मतलब बैकग्राउंड चाहे आपका जैसा भी रहा हो, तो अपग्रेडेशन ज़रूर मिलेगा आपको अपने पुराने बैकग्राउंड से। डिग्रेडेशन नहीं होगा, नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे मार्क्स के रूप में, ग्रेड के रूप में। बस तुमको जब चैप्टर, कोई भी चैप्टर या कोई भी पोयम या कोई भी टॉपिक का जब हम एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स शुरू करते हैं राइट फ्रॉम लेक्चर वन, वो जहाँ तक जाए उसको अगर तुम लोगों ने अच्छे से थोड़ा डिटरमाइंड हो करके देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाएगा कहानी एकदम लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताता हूँ वो जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ, और फिर क्वेश्चंस उनके लिए आसान हो जाते हैं आंसर लिखना। ये मैं नहीं कह रहा कि उन लाइंस को एकदम हूबहू याद रहेगा स्टूडेंट्स को कि एक्सप्लेनेशन में ये लाइन लिखा था और बुक में ये लाइन लिखा था, ये ज़रूरी नहीं है। इतना मेमोरी सबका इंग्लिश में अच्छा नहीं है, पर एटलीस्ट सबको ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ये सब पता होना चाहिए कि वहाँ हुआ क्या था, किसी भी भाषा में हो पता हो आपको, लेकिन पता होना चाहिए कंप्लीट चीज़। और वो पता आपको चल जाएगा कंप्लीट चीज़ अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा वहाँ से, जहाँ से मैंने दिखाया वुडलैंड क्रिएचर्स का क्या रिएक्शन था नए स्मेल के प्रति, तो ऑब्वियस है कि वुडलैंड क्रिएचर्स जो है फाउंड रॉजर स्कंक न्यू स्मेल क्वाइट प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का मतलब होता है गुड, ठीक है। प्लीजेंट वर्ड अगर किसी को नहीं आता है तो गुड वर्ड लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने दिक्कत सिर्फ होगा ग्रेडिंग में, है ना, 70s में तुम्हारा मार्क्स जाएगा कि 60s में जाएगा कि 80s में जाएगा कि 90s में जाएगा, ये फ़र्क पड़ता है प्लीजेंट लिखें या गुड लिखें। तो जब दूसरे वुडलैंड क्रिएचर्स ने देखा कि रॉजर स्कंक का नया स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छा है, रोजेज वाला स्मेल, दे प्लेड मैनी गेम्स विथ हिम एंड गैदर्ड अराउंड हिम। वही बातें लिखे हैं सेम जो पढ़े थे, कि वो लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए, और जमा होने का मतलब क्या है कि उसके दोस्त बन गए। जमा होने का एक ये भी मतलब है कि उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, उसको दोस्त बना लिया सब लोगों ने, सभी अदर एनिमल्स ने, लिटिल क्रिएचर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट दे, और बहुत सारा गेम्स खेला। और रॉजर स्कंक का खुशी का बारे में जो पूछा है, तो वो ये लास्ट लाइन में देखो लिखा है, रॉजर स्कंक वॉज वेरी हैप्पी टू बी एक्सेप्टेड बाई द अदर एनिमल्स। ये देखो ये की वर्ड है कि वो खुशी किस बात की थी रॉजर स्कंक को, किस बात की खुशी थी। इसको मैं थोड़ा बड़ा साइज में करके यहाँ, ये देखो, इस बात की खुशी थी उसको, टू बी एक्सेप्टेड बाई द अदर एनिमल्स। अब ये एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ, स्वीकार करना, शामिल करना, दोस्ती करना,
ठीक है। और ये एक्सेप्टेड वर्ड जो है ना, इससे मिलता जुलता बहुत सारा स्पेलिंग्स होता है, उसका स्पेलिंग पे ध्यान रखना ज़रा। मिलता जुलता बहुत सारा स्पेलिंग होता है, गलत स्पेलिंग लिख दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेड, ए डबल सी ई पी टी, ये वर्ड है, ई डी लगा दिए। उसको खुशी इस बात की थी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। क्यों? टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर एनिमल्स, क्योंकि आज पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अदर एनिमल्स एक्सेप्टेड हिम। दैट मीन्स कि आज पहली बार अदर एनिमल्स ने उससे दोस्ती किया, आज पहली बार अदर एनिमल्स ने उसको अपने ग्रुप में शामिल किया, आज पहली बार अदर एनिमल्स ने उसके साथ गेम्स खेले। ये सब पहले नहीं होता था, अदर एनिमल्स पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, गेम नहीं खेलते थे, भाग जाते थे उसको देख करके, चिढ़ाते थे। लेकिन उसके नए स्मेल का कमाल था ये कि अदर एनिमल्स का जो बिहेवियर था ना इसके प्रति, रॉजर स्कंक के प्रति, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। चेंज नहीं कहेंगे, ऑपोजिट हो गया, चेंज्ड वेरी पॉजिटिवली। तो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है ना, दो नंबर तीन नंबर का, आप दे दोगे कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ। न्यू स्मेल को वो उन लोगों को बहुत पसंद आया, रोज़ेस का स्मेल बहुत पसंद आया, वो सब उसके उसको घेर लिए चारों तरफ से। मतलब मैंने बहुत सारा बताया, कुछ भी लिखो, ठीक है, कि वो लोग सब उससे दोस्ती कर लिए, वो लोग सब उससे घुलने मिलने लगे, वो लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा गेम्स खेला उन लोगों ने। अगर यहाँ पर कुछ मार्क्स बढ़ा करके ये क्वेश्चन पूछ दे, या इससे मिलता जुलता अगर नंबर बढ़ा देगा ना, लॉन्ग आंसर टाइप करेगा ना, तो क्वेश्चन में भी एक चीज़ जोड़ सकता है जो बहुत ऑब्वियस है। नहीं जोड़ेगा तो भी काम हम वही करेंगे, लेकिन जोड़ेगा ऐसा उम्मीद है तो भी काम वही करेंगे। क्या जोड़ सकता है? जोड़ ये सकता है कि जो पूछा है ना यहाँ, कि अदर क्रिएचर्स का रिएक्शन नए स्मेल के प्रति क्या था, इसी को पूछेगा कि पुराने स्मेल के प्रति और नए स्मेल के प्रति क्या कोई चेंज था अदर क्रिएचर्स का बिहेवियर में, रॉजर स्कंक के प्रति क्या कोई चेंज था। मतलब वो कैसे पहले बिहेव करते थे, अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये आंसर लंबा किया जाएगा, और तब अगर वो नहीं भी पूछा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं भी क्वेश्चन को ज़्यादा चेंज किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि यही क्वेश्चन दे दिया और 6 मार्क्स का दे दिया, 8 मार्क्स का दे दिया, क्या करोगे? इतना लिख के 8 मार्क्स पा पाओगे? नहीं, बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हो? यहीं पे काम आता है पढ़े हुए लोगों की पढ़ाई, ठीक है, टेक्स्ट बुक एन एक्सप्लेनेशन, यहीं पे काम आता है बढ़ाने में, मैं जो बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कि एनिमल्स का व्यवहार उसके प्रति कैसे बदला है ना, क्या चेंजेस हुआ, रॉजर को किस बात की खुशी हुई, इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में पूछ देता है, 6 नंबर का पूछ देता है, 8 नंबर का पूछ देता है, तो हम लोग शुरुआत
कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे पुराना जो स्मेल था, बैड स्मेल, उस समय रॉजर स्कंक के साथ कैसे बिहेव करते थे, वहां से अपना आंसर हम लोग शुरू करेंगे। यहां से नहीं करेंगे, शुरू करेंगे वहां से। जैसे एक सिंपल हिंदी में ही मैं बता देता हूं, अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार उसको तुम लोग लिखने की कोशिश करोगे। कि मैं बोल रहा हूं कि चेंज करेंगे, यहां से आंसर शुरू करेंगे कि रॉजर स्कंक का स्टोरी जो को जैक सुना रहा था, उस रॉजर स्कंक का हर स्टोरी के तरह उसका भी एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था दैट ही स्मेल्ड एक्सट्रीमली बैड, वेरी बैड, ऑफुल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। ये सब लिखेंगे पहले आंसर में, शुरुआत वहाँ से करेंगे कि रॉजर स्कंक एनिमल का जो कहानी सुना रहा था जैक, उस रॉजर स्कंक में का प्रॉब्लम ये था कि उसका स्मेल बहुत ख़राब था। अब उससे क्या दिक्कत था ये लिखेंगे कि उसके वजह से सारे अदर लिटिल क्रिएचर्स जो हैं वो रॉजर स्कंक से दूर भागते थे, दे रैन अवे फ्रॉम रॉजर स्कंक, और उसको चिढ़ाते थे। अब ये बात आपने पढ़ा होगा कि क्या बोल करके चिढ़ाते थे, तभी ना आप इसको बढ़ा पाइएगा। वो बात, वो लाइन लिखना होगा जिसमें वो लोग ये बोल करके चिढ़ाते थे, रॉजर स्टिंकी स्कंक, एक वर्ड स्टिंकी वर्ड बीच में लगा देते थे। स्टिंकी का मतलब मैंने बताया था उस समय, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, बदबूदार। तो वो लोग चिढ़ाते थे, लो आ गया बदबूदार रॉजर, और भाग जाते थे। नोबडी वांट्स टू प्ले विथ हिम, नोबडी वांट्स टू बी हिज फ्रेंड, एंड रॉजर बिकेम अलोन, रॉजर रिमेन्स अलोन, एंड ही फेल्ट वेरी बैड। रॉजर को इतना बुरा लगता था उनका व्यवहार कि रॉजर के आंखों से आंसू निकल आते थे। ये बताया गया है ना, टू लिटिल ईयर्स, तो पहले ये सब बता लेंगे, ठीक है, टू लिटिल ईयर्स, वो सब बता लेंगे टीयर्स तक, कि वो रो पड़ता था, इतना बुरा व्यवहार क्रिएचर्स उसके साथ करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे उसको बैड स्मेल के वजह से। उसके बाद आएंगे नए स्मेल पर, कि उसके बाद रॉजर ने जब विजार्ड के मदद से अपना स्मेल चेंज करवा लिया और अच्छा रोजेज़ का स्मेल करा लिया, जो खुद चुना था स्कंक ने, विजार्ड ने ऑफ़र दिया था खुद चुनो, जैसे जैक ने ऑफ़र दिया था जो को कि बोलो आज किस क्रिएचर का कहानी सुनोगी, तो वैसे ही जो इसका स्मेल चेंज करने का बारी आया था, तो विजार्ड ने पूछा था रॉजर से कि तुम कैसा स्मेल करना पसंद करोगे बताओ, तो रॉजर का जवाब था रोजेज, और उसका जवाब सुन करके जो बोली थी, रिएक्शन जो कभी आया था, गुड चॉइस, जो सेड प्राउडली, गुड चॉइस वो बोली थी। उसका जब स्मेल चेंज हो गया, ये सब पहले वाला पहले लिख लेंगे, रोने धोने तक। उसके बाद विजार्ड के पास गया, स्मेल चेंज कराया, रोजेज वाला स्मेल आया, उसके बाद फिर ये चीज़ को ऐड करेंगे। तो यही क्वेश्चन, या इसी की वर्ड से, की पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, रॉजर का पुराना स्मेल के प्रति क्रिएचर्स का बिहेवियर, अदर क्रिएचर्स का, और रॉजर के नए स्मेल के प्रति अदर क्रिएचर्स का बिहेवियर में कब चेंज आया, कैसा चेंज आया। अब जब यहाँ लिखा हुआ है ना, दे प्लेड मैनी गेम्स विथ हिम, लिखा हुआ है,
अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा नंबर का पूछ दिया तो जो स्टूडेंट्स को कुछ गेम्स का नाम याद रह जाए, सोचो वो स्टूडेंट्स कितने प्लस पॉइंट में चले जाएंगे, उनका जो मार्किंग होगा ना वो बहुत शानदार होगा, टीचर ऑब्जर्वर के इवेल्युएटर के मन में उसका बहुत अच्छा छवि बनेगा। अगर गेम्स जहाँ लिखते हैं ना वहाँ कुछ या जितना ज़्यादा गेम्स आपको याद रख पाए, यहाँ से टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स, जो यहाँ आंसर में लिखे हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और बहुत सारा गेम्स खेलते हैं, यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ पर अगर उन गेम्स का नाम लिख दो तो वर्ड लिमिट भी बढ़ेगा, अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा आंसर पर, आंसर के मार्क्स पर। और रॉजर स्कंक अपने नए स्मेल को चेंज कराने के बाद उसको क्या खुशी मिली, वो खुशी के बारे में अगर पूछेगा तो आप ये लाइन है कि वो फर्स्ट टाइम ही वॉज एक्सेप्टेड बाई द अदर लिटिल क्रिएचर्स, पहली बार दूसरे क्रिएचर्स ने उसको स्वीकार किया था रॉजर स्कंक को, इसी बात की रॉजर स्कंक को खुशी थी, बहुत खुशी थी। आज से पहले जो उससे दूर भागते थे, जो उससे नफरत करते थे, आज वो सारे उससे उसके दोस्त बन गए, उसके साथ गेम्स खेल रहे थे, पूरा दोपहर भर गेम खेला, और गेम्स का नाम अगर लिख दो। और फिर इसके पहले जब खराब क्रिएचर, खराब स्मेल था, तब क्रिएचर्स का क्या रिएक्शन था वो लिख दो, यही आंसर तुम्हारा लॉन्ग आंसर के कैटेगरी में चेंज हो जाए। लेकिन ये करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वीडियो लेक्चर्स जो एक्सप्लेनेशन के हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के, तब मदद होगा आंसर्स क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई ये सोचेगा कि हम बिना टेक्स्ट बुक पढ़े, चलो टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, नहीं होगा, नेवर, कहीं से भी पढ़िए आप, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ा होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, कहीं से भी पढ़िए आप, खुद से पढ़िए, ट्यूटर से पढ़िए, कॉलेज में पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन स्टोरी पढ़िए, तब जो क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करता हूँ फ़ायदा तब होगा। और अगर स्टोरी में कुछ आपको लगता है कि आपको नहीं पता जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा कि आपको फिर ज़रूरत है कि आप एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से समझें, तो उसके लिए वीडियोस को देखिएगा, आपको वो बातें भी समझ में आएंगी जो बातें नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग कैसे पूछा, तो क्या क्या करेंगे ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।